हमें उनकी जरूरत है। वोट के टाइम वो हमारे घर में आते हैं वोट मांगने के लिए, जब हमें उनकी जरूरत है तो कहते हैं कि मेरे पास आइए हम बात कर रहे हैं। बात किससे कर रहे हो, यहाँ हमारे बीच में आके बैठिए। भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक के पदाधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 9 के चौड़ीकरण के दौरान हाबुड़ भटेल मार्ग पर कट बंद होने से नाराज किसानों का पिछले 7 दिनों से धरना जारी है। सोमवार को अयाजनगर काठीखेड़ा मार्ग पर भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक ने धरना दिया, जहां जिलाध्यक्ष पवन हुड का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने अभी तक मामले का कोई समाधान नहीं किया है। भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक के जिलाध्यक्ष पवन हुड ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग 9 का चौड़ीकरण होने पर हापुड़ भटेल मार्ग को बंद कर दिया गया है। इस मार्ग से करीब 40 से 45 गांव के सैकड़ों ग्रामीण प्रतिदिन गुजरते हैं। गोंदी सलाई काठीखेड़ा सुल्तानपुर अयाजनगर मीरपुर काकर हसनपुर घुंघराला भटेल बीबी नगर समेत कई गांव के ग्रामीणों का यहां से आना जाना लगा रहता है, लेकिन इस मार्ग को बंद करने से ग्रामीणों को काफी लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन को उनकी मांगों पर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे ग्रामीणों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। इस दौरान आजाद मिन्ना आमिर मिन्ना ताली भट्टा प्रधान देवेंद्र प्रधान आरिफ सीटू त्यागी आदि उपस्थित रहे। और अनुशासन, मैंने पहले बताया कि कोई भी लड़ाई जो है बिना अनुशासन के नहीं लड़ी जाती। जो अनुशासित लोग होते हैं वो ही किसी धरना प्रदर्शन में और अपनी मांगों को लेकर सक्षम होते हैं। अब हमारे बीच में भाई निक यहाँ ऐसे कौन से लोग रहते हैं जिनको ये खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं, जिनके बच्चों के खिलाफ ये अन्याय कर रहे हैं। साथियों, ऐसा हमने क्या किया है? क्या हमारे बुजुर्गों ने इनको वोट नहीं दिया? क्या जो विधायक आज अपने घर में बैठा हुआ है, सांसद अपने घर में बैठे हुए हैं, आज हमें उनकी जरूरत है? वोट के टाइम वो हमारे घर में आते हैं वोट मांगने के लिए, जब हमें उनकी जरूरत है तो कहते हैं कि मेरे पास आइए हम बात कर रहे हैं। बात किससे कर रहे हो, यहाँ हमारे बीच में आके बैठिए। आप प्रशासन बोलिए, डीएम को बोलिए, एसडीएम को बोलिए, आपके पीछे भगे चले जाएंगे। इसका मतलब ये है कि उनकी अपनी चाल है, प्लानिंग है कि आप कुछ भी करिए हम नहीं आएंगे। नहीं तो आज इतने लोग यहाँ 10-15 दिन से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, कई महीनों से कार्रवाई चल रही है, रोज यहाँ सब चीजें हो रही है, उनको सब पता है, लेकिन आप तक आगे बात क्यों नहीं करते अधिकारियों से? तो मेरा तो यही निवेदन है साथियों, यहाँ काफी वक्त है, मैं आपका ज्यादा समय लेना चाहूंगा, मैं आपसे यही। और अनुशासन, मैंने पहले बताया कि कोई भी लड़ाई जो है बिना अनुशासन के नहीं लड़ी जाती। जो अनुशासित लोग